हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर सा मेकअप लुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें करना है फेस को अच्छे से क्लीन, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट कॉटन पैड। आप वाइप भी यूज़ कर सकते हो। और मेक श्योर अच्छे से आप फेस को क्लीन करो और अंडर आइज़ और लिप्स को स्पेशली, क्योंकि कभी कभी ना काजल के स्टेन्स होते हैं अंडर आइज़ में और लिप्स पे लिपस्टिक लगी होती है, तो उसको अच्छे से आपको क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यूज़ करना है टोनर। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ TNW का रोज़ वाटर टोनर। और स्प्रे फॉर्म में अगर आप टोनर यूज़ करते हो ना, तो बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और इसके बाद मैं इसको ड्राई कर रही हूँ फैन से। और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे सेटाफिल क्रीम। तो जैसे कि मेरे क्लाइंट की स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये वाली क्रीम जो है वो बहुत अच्छे से अप्लाई करूँगी। सो अगर आपके आपकी क्लाइंट की स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर नॉर्मल भी है, तब भी आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे लिप बाम भी अप्लाई कर लेंगे। तो ये लिप बाम है बॉडी शॉप की, और इसे मैं छोटे से फ्लैट ब्रश के साथ इवनली अप्लाई कर दूंगी पूरे लिप्स पर। अब नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं लेंस। तो ये नेचुरल के लेंस है और ये बहुत ही प्यारा सा शेड है। एंड अभी आपको ये थोड़ा सा डरावना या फिर अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन आफ्टर मेकअप ये बहुत सुंदर लगता है, ट्रस्ट मी। और इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप से। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टेप कंसीलर इन द शेड लाइट न्यूट्रल। ये एक ऐसा शेड है जो हर मेकअप आर्टिस्ट के पास होना ही चाहिए, बहुत यूज़फुल शेड है ये। एंड इसे हम ब्लेंड कर देंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का मिनी ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि आईज़ पे अगर आपको कंसीलर ब्लेंड करना है तो आपको बड़ा ब्लेंडर से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंड नेक्स्ट हम इसको पाउडर लॉक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्रश जो कि PAC से है, एंड इसे मैं बेका के लूज़ पाउडर के साथ लॉक कर रही हूँ। एंड अब हम ले रहे हैं मॉर्फी 35B आई शेडो पैलेट। तो यहाँ से मैंने उठाया सबसे पहले बेबी पिंक कलर का आई शेडो, और इसे मैं अपर क्रीज पर और कॉर्नर्स पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा डार्क पिंक शेड लिया और उसे भी उसी के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ, एज इन कॉर्नर्स पर और क्रीज लाइन पर। मेक श्योर आप हर कलर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एंड इसके बाद मैं लूँगी इससे और ज़्यादा एक शेड डार्कर। सो सबसे पहले मैंने बेबी पिंक शेड लिया, उसके बाद मैंने प्रॉपर पिंक शेड लिया। अब नेक्स्ट मैं जो लूँगी वो रहेगा फ्रूशिया, यानी जिसे हम मजेंटा कलर भी कह सकते हैं, और ये वाला हॉट पिंक कलर मैं ले रही हूँ। एंड ब्रश आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दूंगी कॉर्नर पर। सो अगर आपको एक प्रॉपर ब्लेंडेड लुक चाहिए आई मेकअप में, सो ऑलवेज़ यूज़ 2 to 3 कलर्स। पहले सबसे लाइट, देन उससे डार्क, देन सबसे डार्क। इससे आपकी ब्लेंडिंग ना बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में भी प्रॉपरली अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैंने उठाया है ये येलो आई शेडो फिंगर से, क्योंकि इससे इसकी बेस्ट एप्लीकेशन होती है। और इनर कॉर्नर्स पर मैंने इसको लगाया है। एंड आप देख सकते हो सबसे पहले मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ, और बाद में मैं इसको प्रॉपरली ब्रश के साथ में अप्लाई कर रही हूँ। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक कट क्रीज भी दे दिया है इसी फॉर्म में, और उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ, थोड़ा सा मर्ज कर रही हूँ पिंक के साथ में सेंटर में। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सो ब्रशेस जो हैं वो जनरली मैं PAC, मॉर्फी और रियल टेक्निक के यूज़ करती हूँ। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे हाईलाइटर जो मैंने लिया है जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट से, और इसे मैं ब्राउ बोन पर अप्लाई कर रही हूँ। अगेन कोई छोटा सा आपको ब्रश लेना है एंड उसे अप्लाई करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर, और ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है जो कि है शुगर कॉस्मेटिक्स से आई बी ब्लैक, और ये वाटरप्रूफ स्केच आईलाइनर है, और बहुत ही इजीली इससे एप्लीकेशन हो जाती है, आप देख सकते हो। एंड बहुत इंटेंस ब्लैक इसका कलर है, सो ये भी बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। इसके बाद हम इसको विंग में भी कन्वर्ट करेंगे। विंग आईलाइनर बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो गाइडलाइन रहती है ना, वो रहती है आपकी आईब्रो का कॉर्नर, ठीक है। सो आपको वहीं तक उसको लेके जाना है, अभी आपको दिखेगा प्रॉपरली। एंड इस तरीके से आपको विंग आईलाइनर क्रिएट करना होता है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा थिक आईलाइनर नहीं लगा रही, क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर एक और कलर का आईलाइनर लगाऊंगी, जिससे कि उसकी लुक जो है वो काफ़ी बोल्ड लाइनर जैसी लगेगी। और आप देख सकते हो मैंने ब्राउज को गाइडलाइन मानते हुए ब्राउ एंड तक उसको मैं लेके गई। एंड आपको एक बहुत ही शार्प सा विंग बनाना है,
नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ नायका का ग्रीन आईलाइनर, ये भी बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है और इजी टू अप्लाई है। और आप देख सकते हो कितने स्मूथली, कितना इजीली मैं इसको उसी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो जिस पे मैंने ब्लैक आईलाइनर लगाया ठीक उसी के ऊपर मैं ये वाला ग्रीन आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और लाइनर अप्लाई करते करते मैंने ये नोटिस किया कि ये तो ब्लैक ही लग रहा है, ग्रीन का तो शेड अलग से आ ही नहीं रहा उठ के। क्या आपको भी ये ब्लैक ही लग रहा है या सिर्फ मुझे लग रहा है, एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र, और ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी के पास होना चाहिए। इससे बेस्ट मॉइस्चराइज़र मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। सो इवन इफ़ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लॉरा मर्सिया का फाउंडेशन प्राइमर, इसकी जगह आप मैक की स्ट्रोब क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। और इसे मैं फ्लैट ब्रश के साथ में अप्लाई कर रही हूँ, और आप देख सकते हो जितना भी एरिया है फेस का मैं कुछ भी मिस नहीं कर रही हूँ, प्रॉपरली इवनली स्प्रेड करके इसको अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर दी फेस। और इसके बाद मैं अपर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ रिकोट का काजल, एंड इससे आई मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अभी जब हम मस्कारा और लैशेस कर लेंगे ना तो आई मेकअप बहुत प्यारा लगेगा। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबेलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा, एंड मस्कारा लगाने के बाद हम अपनी आईलैश को कर्ल करेंगे। सो आप ये स्टेप पहले भी कर सकते हो मस्कारा लगाने से, बट मैं प्रेफर करती हूँ बाद में। तो अब मैं इसको आईलैश को कर्ल कर रही हूँ अपने वेगा के आईलैश कर्लर से, और बहुत ही ध्यान से ये स्टेप आपको करना है। इसके बाद हम आईलैशेस लगाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस क्लियर का आईलैश ग्लू। और लैशेस आपको हमारे विनसम हेयर स्टाइल एक्सेसरीज पेज पर इजीली मिल जाएंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बाय करने के लिए। अलग अलग साइजेस में और अलग अलग लेंथ्स में ये अवेलेबल है। एंड इसके बाद अब हम शुरू करेंगे अपना फेस का मेकअप, और यहाँ पे मैंने लिया है एली गर्ल का ऑरेंज करेक्टर। एंड आप देख सकते हो थोड़ा सा ना डार्क एरियाज थे इनके माउथ कॉर्नर्स पर और अंडर आइज पर, तो वो हमें हाइड करना है। तो यहाँ पे मैं रियल टेक्निक के एक ब्रश के साथ में इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और आज हम मोस्टली मेकअप जो है वो ब्रश से ही करेंगे। और यहाँ पे मैं इसको पहले ब्लेंड कर लूँगी, और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने टू फेस्ड का कंसीलर लिया है वॉर्म सैंड, और इसको ठीक हम करेक्टर के ऊपर ही लगाएंगे। और आप चाहो तो आप करेक्टर स्किप करके डायरेक्टली ये भी लगा सकते हो अच्छी क्वांटिटी में, तो भी आपकी कवरेज अच्छी मिलेगी। सो इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे ब्रश के साथ में ही अच्छे से। और बेटर कवरेज के लिए आप इसको फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छी कवरेज मिलेगी। नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं मेकअप फॉरएवर का अल्ट्रा एचडी स्टिक फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। और यहाँ पे मैं इसे फाउंडेशन फ्लैट ब्रश के साथ में अप्लाई कर रही हूँ, एंड ये आज हम फुल कवरेज मेकअप करने वाले हैं, तो थोड़ा सा क्वांटिटी अच्छी सी लेनी है, ज़्यादा लेनी है। एंड आप देख सकते हो ऑल ओवर द फेस मैं इसको अप्लाई कर दूंगी, और फिर नीचे चिन की तरफ भी एंड नेक पर भी हम इसे अप्लाई करेंगे। सो मेकअप फॉरएवर के मुझे दोनों ही फाउंडेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, बी इट लिक्विड फाउंडेशन और स्टिक फाउंडेशन। सो अब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं PSC का फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छी इससे हमें कवरेज मिलती है और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। और पूरे फेस पे मैं इसको डैब डैब करके ब्लेंड कर लूँगी, सिर्फ फेस पर ही नहीं आपको ईयर्स पे और नेक पे भी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है ताकि इवन लगे वो। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी कवरेज मिल चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट हम करेंगे क्रीम हाइलाइटिंग, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टिप कंसीलर इन द शेड लाइट न्यूट्रल, और इसे भी हम सेम ब्रश के साथ में ब्लेंड करेंगे टैप टैप करके। सो आज का मेकअप जो है वो मैं थोड़े अलग तरीके से कर रही हूँ, आप देख सकते हो आज मैं ब्रश से मेकअप कर रही हूँ। जनरली मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंडिंग करती हूँ, बट काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मुझे भी ब्रश से मेकअप करना है, क्योंकि इतने सारे ब्रशेज जो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं उन्हें कभी ना कभी तो मुझे यूज़ करना ही था। एंड ट्रस्ट मी ये PSC के ब्रशेज तो लाइक बहुत ही बढ़िया हैं, मैं इन्हें बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप मॉर्फी या फिर PSC के ब्रशेज में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे ब्रशेज हैं। एंड अब हम अंडर आइज को भी मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, मेक श्योर कोई क्रीज ना आए या फिर कोई पार्ट ऐसा ना छूटे जहाँ पे प्रोडक्ट ना लगा हो। और इसके बाद मैं करूँगी क्रीम कॉन्टोरिंग, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन पैलेट इन द शेड EP 066।
किसी को भी अगर कोई पैलेट ऐसी चाहिए जिसमें सारे शेड्स यूजफुल हों तो ये पैलेट बहुत ही अच्छी है। यहाँ मेरी क्लाइंट का जो फेस है वो थोड़ा सा चबी है, इसीलिए हम क्रीम कॉन्टोरिंग और पाउडर कॉन्टोरिंग दोनों ही करेंगे। और अब मैंने यहाँ पे ब्रश से कॉन्टोर अप्लाई कर लिया, क्रीम कॉन्टोर। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, आप चाहो तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। सो गाइज, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज रिगार्डिंग दी मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग क्लासेस। तो जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो सितंबर से स्टार्ट होंगी, एंड हमारी एकेडमी जो है वो ईस्ट दिल्ली में है। और अगर किसी को ऑनलाइन सीखना है तो उसकी भी क्लासेस हमारी चलती रहती हैं, डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ बेका का लूज पाउडर, और वो मैं अप्लाई कर रही हूँ पिज्ज़ा पफ के साथ, ये भी PSC से ही है। एंड मेक श्योर जब आप अंडर आइज़ पे पाउडर अप्लाई करो उससे पहले आपको बिल्कुल क्रीज लाइंस हटा देनी है ब्यूटी ब्लेंडर से। और आप देख सकते हो अब जो प्रोडक्ट बचा हुआ है ना मेरे पफ में, वो मैं ऑल ओवर द फेस टैप टैप कर रही हूँ, और नेक पे भी हम अच्छे से कॉम्पैक्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं इनका स्किन टोन जो है वो फेयर है, तो मैं NC20 कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद बारी आती है ब्राउज़ की, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एनेस्टाजिया का ब्राउ डिफाइनर इन द शेड मीडियम ब्राउन। एंड आई बिलीव हमें ब्राउज़ को बहुत ही नेचुरल रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना डार्क ब्राउज जो हैं वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगती हैं, जो कि फेस पर भी सूट नहीं करती हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप दी ब्राउज नेचुरल। इन ब्राउज के लिए ये शेड मुझे लगता है बेस्ट है मीडियम ब्राउन, क्योंकि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत ज़्यादा डार्क शेड ले लेते हैं तो उससे जो है वो ब्राउज बहुत आर्टिफिशियल लगने लगती है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट शेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी ब्राउज। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो ब्राउज हैं वो ऑलमोस्ट फिल हो चुकी हैं। ब्राउज फिल करने के लिए हम पोमेड का भी यूज़ कर सकते हैं, सो एनेस्टाजिया में ही डिप्रो पोमेड आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली ब्राउन कलर के आई शेडो से आईब्रोज को फिल कर सकते हो एंगुलर ब्रश के साथ में। सो यहाँ हमारी ब्राउज डन हो चुकी हैं। इसके बाद बारी आती है ब्लश एप्लीकेशन की, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे नायका का ब्लश डुओ, एंड आई थिंक दिस इज़ मलिबू बारबी शेड। और इसी के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ नार्स का ब्लश, बहुत ही अच्छा है, इसमें थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट भी आता है, सो इट गिव्स अ नेचुरल ग्लो। एंड इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल, ये मैंने अभी अभी बाय किया है और ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, और इसका शेड जो है ये ग्रीन सा शेड है, वेरी नाइस। और इसमें क्योंकि इनकी स्कर्ट में जो है वो ग्रीन और पिंक का शेड है, इसीलिए हमने इसको मिक्स किया है। और अब मैं लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ पिंक कलर का आई शेडो, एंड किसी भी छोटे से ब्रश के साथ आपको इसको अप्लाई करना है। एंड यू कैन सी कितना सुंदर ये लग रहा है। और इसके बाद अब हम इनर कॉर्नर्स पर एक गोल्डन येलोइश सा शेड लगा रहे हैं, और इसके बाद जो ये आप देख सकते हो नीचे अभी तक पाउडर लगा हुआ है। सो जब आपका आई शेडो का सारा काम हो जाए तब आपको ये डस्ट ऑफ कर लेना है। और अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा, सो इफ़ यू वांट आप मस्कारा के बाद भी उस पाउडर को डस्ट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी मस्कारा के भी पार्टिकल्स गिर सकते हैं, सो इफ़ यू वांट आप बाद में डस्ट ऑफ कर सकते हो उसको। एंड ट्रस्ट मी, ये वाला जो स्टेप है ना ये बहुत अहमियत रखता है मेकअप प्रोसेस में, क्योंकि इससे आई मेकअप बहुत एनहांस्ड, बहुत ही प्यारा लगता है। और अब नेक्स्ट बारी आती है पाउडर कॉन्टोर की, तो यहाँ पे मैं शुगर का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और ब्रश भी इस बार मैंने मेंशन किया है मॉर्फी का E48, क्योंकि ब्रशेस के लिए भी मेरे पास कमेंट्स और क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। सो जिस पे मेंशन है मैं मोस्टली उसको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मैक का फिक्स प्लस स्प्रे, और इसे भी हम ड्राई कर लेंगे, इससे एक तो फिक्स तो होता ही है मेकअप और ग्लो भी बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद बारी आती है हाइलाइटिंग की, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ओफ्रा की हाइलाइटर पैलेट, और इसे भी हम अपने हाइलाइट पॉइंट्स पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और अगर आप लोग इस लुक को रिक्रिएट कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, आई वुड लव टू सी द रिक्रिएशन जो भी आप क्रिएट करोगे अपने ऊपर या फिर अपने मॉडल्स या फिर क्लाइंट्स के ऊपर, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप मुझे टैग कर सकते हो विंसम बाय सिमरन के नेम से ही, आपको मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज मिल जाएगा। एंड प्रॉपरली हाइलाइटिंग करने के बाद बारी आती है लिप लाइनिंग की, तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आपको बेसिकली कोई भी डार्कर कलर का लिप लाइनर लेना है जो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो,
और यहाँ पे मैं इसको आउटलाइन कर रही हूँ। सो जैसे कि आजकल पाउटी लिप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैशन में है, प्लम्प्ड लिप्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो उसी को क्रिएट करने के लिए हम इसको लिप लाइन कर रहे हैं और इसके अंदर हम फिल करेंगे एक लाइटर शेड। सो जैसे कि हमारे आई मेकअप में है एक लाइटर शेड, सो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही प्यारा सा शेड, ये है रिकोट से मंडे शेड, एंड इसे मैं लिप ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर दूँगी पूरे लिप्स पर, और जो लिप लाइनर हमने लगाया था ना उसको भी हमें कवर कर लेना है। सो आप देखोगे ना अभी बहुत ही प्यारा सा एक लुक आएगा, और इसको जब हम टॉप करेंगे लिप ग्लॉस के साथ में तो और ज़्यादा प्यारा सा लुक आएगा इसका। एंड लिप ग्लॉस के भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि कौन सी यूज़ करनी चाहिए। सो लिप ग्लॉस में अगर आपको ऐसी ग्लॉस लगानी है जो कि बिल्कुल कम से कम हटे और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकी रहे, सो फेंटी ब्यूटी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट लिप ग्लॉसेस। अगर आपके कोई क्लाइंट है जिसको लंबा फंक्शन अटेंड करना है और ग्लॉस भी चाहिए, सो फेंटी ब्यूटी बहुत ही अच्छी ग्लॉस है। और अब लिपस्टिक लग चुकी है, इसके बाद मैं यहाँ पे ये ग्लॉस अप्लाई करूँ। सो दिस ग्लॉस मैंने ये ग्लॉस दुबई से ली थी, एक नॉर्मल सी शॉप थी कॉस्मेटिक्स की, वहाँ से मैंने ग्लॉस ली थी, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये। सो यू कैन सी ग्लॉस से और ज़्यादा इन्हांस हो चुकी है लुक। तो बी इट ब्राउज, बी इट लाइनर, या फिर वाटर लाइन पे काजल हो गया, या कॉन्टोरिंग, ब्लश, हाइलाइटिंग, हर चीज़ का एक अपनी इम्पोर्टेंस है। हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट इन्हांस करता है उस फीचर को। एंड इनकी ट्रांसफॉर्मेशन रील जो है वो मेरे इंस्टा पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।